तो हेलो विकिल साहब, क्या है भाई? बढ़िया, मटर टिक्की है और वही प्याज है, बचपन से वही प्याज का टेस्ट है, वही निम्बू टेस्ट है। टेस्ट बहुत बढ़िया है भाई साहब, टेस्ट में कोई चेंज नहीं आया, आप भी टॉप क्लास टेस्ट है। इसके बराबर कोई टिक्की नहीं है पूरे गुड़गांव, पूरे वर्ल्ड में मिलेगी आपको। मैं पहले डाइटिंग में हूँ, टिक्की खाने जरूर आते, डाइटिंग में कुछ भैया डाइटिंग पर है, डाइटिंग में भैया खा रहे हैं हमारे शुद्ध देसी घी की टिक्कियाँ। एक पोटेंशन जब बंदा डाइटिंग कर रहा होता है और बंदे को होती नहीं भाई, मुझे तो दोपहर टिक्की के पास से जाना, दोनों टिक्की खाने ही खाने, ऐसी डाइटिंग भगवान सबको दे। सो हेलो गाइज, वेलकम टू वन मोर वीडियो। तो आज हम आ चुके हैं रूपा टिक्की पे। रूपा टिक्की के यहाँ टोटल 3 दुकानें हैं, तो अभी जो न्यूली खुली है यहाँ पर, हम वहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन जो अंकल बैठे हैं वो पुराने ही हैं। आज अंकल से मिलते हैं और बात करते हैं और देखते हैं मेकिंग। तो अब हम आ चुके हैं शॉप के अंदर और हम आ सकते हैं यहाँ के ऑनर। हेलो भैया, भैया अपना नाम बता दो। मेरा नाम बिट्टू है। तो भैया का नाम है बिट्टू और भैया के साथ हैं इनके बेटे। हेलो भैया। हेलो। तो आज हम बात करेंगे अंकल से भी और उनके बेटे से भी। आज उससे पहले आपको दिखा देते हैं अंदर का सिनेरियो। यह है यहाँ की टिक्की समोसे और साइड में छोले, चटनी, प्याज और बाकी सब मसाले वगैरह जो भी यहाँ पर डलते हैं। तो भैया हमारे को बता दो कितने साल पुरानी दुकान है ये? ये 1965 में खुली थी मेरे दादाजी ने। 1965 में इनके दादाजी ने खोली थी दुकान ये। और भैया पहली दुकान कहाँ पर थी? कहाँ रही दुकान? हमारी सदर बाजार के पास। सदर बाजार के पास। और उसके बाद एक सिविल लाइन। हाँ जी, एक सिविल लाइन। और ये कहाँ पर? और ये न्यू ओपन। ये न्यू ओपन हो गया अभी, वीक हुआ होगा हार्डली 15 डेज, 2 वीक हुआ है बस यहाँ पर अभी। और टेस्ट वही पुराना मिलेगा भैया? बिल्कुल सर, बिल्कुल पुराना, सब कुछ वैसे प्रॉपरली वैसे ही बनता है जैसे जैसे पहले 1965 में बनता था, वैसे ही प्रॉपरली सब कुछ वैसा ही बनता है, बट्टू में ही बनता है सारा कुछ। उसके छोलों के अंदर कोई ऑयल नहीं होता, ऑयललेस होता। और ये जो घी है वो? ये घी, ये देसी घी है, देसी घी में हम बनाते हैं। तो आज के टाइम में बहुत कम मिलती है जगह जहाँ पर देसी घी में टिक्कियाँ सर पर ही जाती है और समोसे। हमारे टिक्की को रिएक्शन कोई हॉर्न मार रहा है, हमें शायद हमें ही मार रहा है, पीछे देखते हैं। ओहो, ये तो हमारे दोस्त प्रेम मित्र वकील साहब हैं। आज भैया से ही मिल लेते हैं पहले। और भैया बढ़िया भाई, बढ़िया, कैसे टिक्की खाने हैं बताओ? ओहो, फुल बुलेट कटोरा, नंबर प्लेट वी आई पी है, चंडीगढ़ वाली। आ जाओ। छोले के साथ एक सिंगल छोले के साथ और दो गुलाब जामुन। तो यही चीज़ हमारे को मंगवानी थी, भैया ने मंगवा दी, भैया के नाम पर ही बिल कटवा देंगे। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। तो जो भैया का सामान बनेगा उसी के हम आपको मेकिंग दिखा देंगे और उसी का रिव्यू कर देंगे। तो हमारी यहाँ पर टिक्की बन चुकी है, तो देखते हैं हम इसको कैसे भैया प्रिपेयर करके देंगे। तो पहले हेलीकॉप्टर शॉट दिया पहले तो इसे प्रेस करके। अब इसके बाद ये छोले जिनमें भैया ने बताया था ऑयल नहीं होता, ऑयल फ्री है छोले। फिर यहाँ की फेमस चटनी है इमली वाली, इमली वाली चटनी। और ये वाली हरी चटनी है, हरी चटनी। और इसके बाद प्याज का, ये नींबू है, ये नींबू। तो भैया हमारे को आप यहाँ की टाइमिंग बता दो। टाइमिंग होएगी आपको ओपनिंग होएगी 1 बजे। 1 बजे? हाँ जी। और रात को बंद होएगी 10 बजे। 10 बजे। और 7 डेज ओपन? हाँ जी। 365 दिन में सिर्फ एक दिन छुट्टी होती है, होली वाले, होली वाले दिन बस। वो पूरी सदर बाजार में जितनी भी दुकानें होली वाले दिन ही बंद होती हैं। ये यहाँ का रिवाज है, आप में से बहुतों को नहीं पता होगा, सदर बाजार की सारी दुकानें एक दिन सिर्फ छुट्टी लेती है, वो है होली वाले दिन। और अनफॉर्चुनेटली कोविड में भी लेनी पड़ गई थी कुछ ज़्यादा। तो ये है यहाँ के फेमस, जिसकी वजह से यह मशहूर है, जिससे नाम है रूपा टिक्की। आई होप दिल्ली NCR में सबको पता होगा, गुड़गांव वाले को तो पता ही है रूपा टिक्की के बारे में, और दिल्ली NCR वालों को भी पता होगा, बहुत फेमस है और बहुत लोगों ने कवर कर रखी है। तब हम करते हैं इसको टेस्ट। आ जाओ। ये टिक्की, ये है यहाँ के समोसे छोले, ये स्वीट डिश जो अपना गुलाब जामुन जो हमारे डाइट वाले भैया ने खत्म करने वाले हैं, बस कभी कभी खा लेते हैं भैया। एक्चुअली क्या है, हमारी राजीव चौक में गुड़गांव कोर्ट है, कोर्ट से घर मेरा निकोड़ी साइड है, तो शिव मूर्ति में रस्ते पे शॉप आती है, तो ना खुशबू इतनी अच्छी है इसकी, हम रुकना पड़ता है, मजबूर है रुकने। और एक फनफैक्ट बता दूँ मैं आपको भैया की, ऑफ होते हैं 2 दिन, एक होता है सैटरडे एक होता है संडे, तो भैया बस उन 2 दिन छोड़कर बाकी हर दिन खाते हैं। भैया की डाइटिंग प्रॉपर चल रही है, मस्त एकदम प्रॉपर मस्त। जिम से आया हूँ मैं, बिल्कुल प्रोटीन ले रहे हैं भैया।
प्रोटीन वाली तो मस्ती असाइड और टिक्की का करते हैं हम टेस्ट। टिक्की साथ में प्याज, मुंबई से भी देखता क्या कोई कांदा है। कुछ भी खाऊँ टिक्की का टेस्ट जो है यूनिक है। अभी हमने लास्ट जो खाई थी टिक्की वो आपने वीडियो देखी होगी हमारी संतोष की, ऐसा नहीं है कि उनकी अच्छी नहीं थी, बट उनकी भी अच्छी थी क्योंकि उसमें दही भी थी, प्रेजेंटेशन अलग तरीके थी। ये बिल्कुल पंजाबी देसी स्टाइल, वन ऑफ द बेस्ट टू बड़ी। मुझे खाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्यों यहाँ पर लोग इनके कस्टमर बन जाते हैं परमानेंट कस्टमर, जैसे कि मैं। समोसे छोले ये भी टॉप नॉच। तो हम लेंगे स्वीट डिश और हमारे गुलाब जामुन और यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी कि जो भी यहाँ पर कस्टमर था वो बार बार इनकी चटनी और प्याज और डलवा रहा था। मैं सोच रहा था ऐसा क्यों, और जब मैंने खुद खाया तो मुझे पता चला जेन्युइनली यहाँ पर और डलवाने की नीड पड़ती है क्योंकि इतनी टेस्टी है और लोग जितने क्वान्टिटी में छोले लेते हैं उतनी क्वान्टिटी में चटनी लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ की बेस्ट चीज़ है, अगर आप आओ तो ये चीज़ ज़रूर करना भैया से और लेना चटनी, और भैया बिल्कुल मना नहीं करेंगे। तो जो हमारा आइटम लगा था रिव्यू करने के लिए, जो हमारे वकील साहब ने डाइटिंग करते करते, ये रहे वकील साहब, खा लिए थे सारे। नहीं नहीं ठीक है, अब हम खाते हैं, कोई बात नहीं, पे भैया नहीं करा। ये ज़रूरी था, या तो कोक या तो स्विगी, दोनों जरूरी तो जरूरी है, कोई एक चीज़ तो जरूरी है ही है खाने के लिए, हमने दोनों खा लिए। क्योंकि पे भैया कर रहे थे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।